What we used to do, we had sales and then operational planning. Sales people will come and tell these are the things required, and then operations will say yes, whether we can do, whether we cannot do, without focusing on what is lying with us in warehouse or WIP or in stores or anything. The change which has come now, from sales and operational planning, we have to club, and a new term which has come in the mind is integrated business planning. Integrated business planning is nothing else but, which all of you know, when we have any order and we put in our system or ERP or whatever, then it gives me exact picture ki this many two numbers are lying in WIP, three numbers are lying under rework store also. So if the sales people are demanding 10 people and operations people are saying we cannot give, so I find with this integration, yes, at least 6 pieces are available within the plant. That 6 pieces can be converted into good production and we can meet at least 50% requirement of the plant. I must appreciate. So I have a small question. Government is also thinking of this multimodal logistics parks, okay, which is MMLP. And if anybody has heard, that is making a few hubs in big cities, okay, do away with these hassles which... सब इधर देखिएगा। वेट वन मोर सर, आप थोड़ा सा इधर रहिए, हल्का सा आगे आ जाइएगा, थोड़ा आप आगे आ जाओ भाई सर, थोड़ा आगे आ जाना सर, थोड़ा सा आगे आ जाओ, थोड़ा सा पीछे आ जाओ, पीछे। नमस्कार, मेरा नाम राजेश कॉल है, मैं वाइस प्रेसिडेंट सेल्स एंड मार्केटिंग टाटा मोटर्स मैं हूँ। तो ये एक बड़ा ही स्पेशल अवसर है आज, जब और मेरा हार्दिक रूप से बहुत खुशी हो रही है कि आज लेट श्री जयकरण शर्मा जी का यहाँ पे लाइफ टाइम और अवार्ड, इन अ वे यू नो लॉजिस्टिक्स मैन ऑफ द इंडिया, ये अवार्ड देने में। और ये स्पेशल ओकेजन इसलिए है क्योंकि शर्मा जी, जो जैसे हम उनको जानते थे, वो हमेशा थोड़ा फ्यूचर का सोचते थे। मतलब आज अगर हम ट्रांसपोर्ट सॉल्यूशन की बात करें, तो उन्होंने ये 10 साल पहले सोचा था कि आने वाली यू नो टाइम पे ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में, लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री में ज़रूरतें कैसे बदलेंगी। जैसे हम ई कॉमर्स की एक टाइम पे बात करते थे कि जी हमारा ट्रक जो है अभी 8,000-10,000 किलोमीटर चलता है, तो वो बोलते थे एक टाइम आएगा जबकि ये बहुत ही ज़रूरी होगा कि ट्रक हमेशा चलता रहे, चाहे वो दो ड्राइवर से चले, एक रेस्ट करे दूसरा चलाए, क्योंकि एफिशिएंसी
लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री की तभी बढ़ेगी। और मैं यहाँ तक इतना बेहद खुश हूँ कि ये सब आज सच्चाई में तब्दील हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल पावर टू वेट रेशियो, अगर आप एक ट्रक देखिएगा, ट्रक में ज़्यादा पावर वाली गाड़ियाँ जिससे ड्राइवेबिलिटी अच्छी हो, ट्रक में कंफर्ट अच्छा हो कैबिन में ताकि ड्राइवर की सुविधा दी जाए, ट्रक में सेफ्टी ज़्यादा हो, ये शर्मा जी ने बहुत साल पहले हमसे बात किया था। तो वो इनफैक्ट इंडस्ट्री में बहुत कम ऐसे लोग होंगे जब उन्होंने करीब करीब 280 हॉर्स पावर की गाड़ी उस टाइम पे ली थी और वो 500 गाड़ियाँ प्राइमा रेंज का। तो कहने का ये है वो फार साइटेड थे, दूर का सोचते थे, एक वाकई में विजनरी थे, जैसे कि कस्टमर को क्या ज़रूरत, उनके कस्टमर को क्या ज़रूरत है, ना कि मेरे कस्टमर तो वो हैं, उनके कस्टमर आगे दूसरी इंडस्ट्रीज़ में थे जिनका वो ट्रांसपोर्टेशन लेते थे, चाहे वो कार्स लेते थे, स्कूटर्स लेते थे, मोटरसाइकिल्स लेते थे, स्टील लेते थे, कंटेनर्स लेते थे, ट्रैक्टर्स लेते थे, कई प्रकार की उनकी एप्लीकेशंस है उनके में काम करते थे। और अच्छा लग रहा है कि ये सब आज रियलिटी में तब्दील हो रहा है। अच्छा लग रहा है आज देख के यहाँ पे जो अभी मैं सुन रहा था सब डिस्कशंस, हालांकि मैं थोड़ा उनकी लेगेसी को कैसे आगे ले जा रहे हैं, बहुत कठिन है उनके लिए, क्योंकि देखिए हमेशा इन्वॉल्व रहना पड़ेगा और इन्वॉल्व नेम से एक नहीं, दिल से पैशनेटली इन्वॉल्व है। वो बहुत पैशनेट आदमी थे, जो भी काम करते थे दिल से करते थे, ही वॉज वेरी आउटस्पोकन। फीडबैक हमारे टाटा मोटर्स में हमेशा ये रहा है कि हम कस्टमर्स का फीडबैक लें और वो हमारे को हमेशा हर परिस्थिति में हर कंडीशन इम्प्रूवमेंट कहाँ कहाँ होनी चाहिए, अभी क्या क्या अच्छी चीज़ें चल रही। मैंने हमेशा बोलता था अच्छी चीज़ें आप दूसरों को बोलिए, मेरे को सिर्फ इम्प्रूवमेंट के एरियाज़ बताएं। तो ये बड़ा इमोशनल मोमेंट्स भी होते हैं कभी कभी, तो और बहुत अच्छा लग रहा है उनको ये अवार्ड देके। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। दीप जी, आपने ये जो इवेंट ऑर्गेनाइज किया इसका क्या बैकग्राउंड है, और स्पेशली जो लॉजिस्टिक्स मैन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला जेके शर्मा जी को, उसके बारे में कुछ? सो ये इन्फ्लेक्शन फोरम है, ये हमारा 55th फोरम है जिसमें हम लॉजिस्टिक्स वेयर हाउसिंग सप्लाई चेन लीडर्स को रिकोगनाइज करते हैं, अवार्ड देते हैं, उनका थाट्स सुनते हैं। और ये फोरम, आज का जो फोरम था ऑल अबाउट लॉजिस्टिक्स एंड वेयर हाउसिंग है, बट इंडिया के लॉजिस्टिक्स एंड वेयर हाउसिंग लीडर्स ने आके आज यहाँ बात करी, अपने थाट्स शेयर करे, क्या वो फ्यूचर में काम करेंगे। और जेके शर्मा जी इंडिया के एक बहुत बड़े लॉजिस्टिक्स प्लेयर थे, उन्होंने लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री को खड़ा किया है, पूरी ऑटो लॉजिस्टिक्स को खड़ा किया है, और सिंगल जनरेशन उन्होंने ये खड़ा किया है। एंड ही वॉज वेरी गुड मैन, ही वॉज़ वेरी पायस मैन, ही यूज़ टू वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द ड्राइवर्स। आई एम श्योर दैट्स वाई द काइंड ऑफ वर्क ही इज़ डन, उन्होंने जो काम किया इंडस्ट्री के लिए वो इतना बड़ा था कि इंडस्ट्री लीडर्स की ज्यूरी ने उनको रिकोगनाइज़ किया मैन ऑफ लॉजिस्टिक्स ऑफ द इंडिया, और ये पॉस्थमस अवार्ड है, तो ये बहुत बड़ा अवार्ड है। और जो उन्होंने पूरी जीवन संघर्ष किया और पूरे जीवन एक लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री बनाई, ये उसका रिकॉग्निशन है इंडस्ट्री की तरफ से उनको। थैंक यू। मेरा नाम मुकेश हरितश है, आज का जो ये अवार्ड उनको मिला है द मैन ऑफ लॉजिस्टिक्स, इस अवार्ड को हम बहुत ही उत्साहित हैं कि हम खुश भी हैं कि उनको इंडस्ट्री ने उनको रिकॉग्नाइज किया और उनको ये अवार्ड दिया आज। ये हमारे लिए, जैसे बोला कि बहुत कठिन होगा इस लेगेसी को जो उन्होंने आज हमें इस मुकाम पर लेके आए, उसके लिए हमें काफ़ी नई नई टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करना पड़ेगा, उसके साथ साथ जैसे मैं बोला बहुत सावधानी और कैलकुलेटिव रिस्क भी लेना होगा, जिसकी वजह से हम इस ग्रुप को जो क्षेत्र यहाँ पर आज लॉजिस्टिक्स यहाँ पहुँचा है उसको आगे ले जाने के लिए। चेंज और अडेप्शन और इंटीग्रेशन की जो बात अभी फोरम में भी हुई, सभी लोगों ने इसके बारे में बोला, तो ये तीनों चीज़ें जो हैं बहुत ज़रूरी हैं किसी भी संस्था को, ऑर्गेनाइजेशन को ऊपर लेके जाने के लिए। तो उसके लिए हमने जो उनके जो विज़न था, उनके जो हमारे डायरेक्शन थी उनकी, जो उनकी हमारे लिए जो उन्होंने हमें सिखाया और जो उन्होंने हमें एक बताया कि कैसे आप एक डिस्ट्रप्शन के अंदर अपनी कंपनी को आगे लेके जा सकते हो, यदि आप उस डिस्ट्रप्शन में उस
तकलीफ के समय में आप अपने लिए अपॉर्चुनिटीज को ढूंढेंगे। तो ये सब उन्होंने जो हमें समझाया, जो उन्होंने हमें एक गुरु की तरह हमें शिक्षा दी, उस चीज़ को हम आगे समझते हुए और आगे इस नई नई तकनीकों का उपयोग करके हम इस चेतक समूह को आगे लेके जाना चाहते हैं। मैं एक बार फिर धन्यवाद देना चाहूँगा हैडन ग्रुप का, ग्लोबल ग्रुप का, जिन्होंने हमारे फादर को ये जो अवार्ड हमें दिया, समर्पित किया उनको, उनकी लॉजिस्टिक्स की सेवाओं के लिए। धन्यवाद।